और अभी कह रहे हैं कि 72 घंटे से कर्फ्यू है। मैं मसूदी साहब को पूछना चाहता हूं कि एनसी की सरकारें थी और कांग्रेस के समय में जब टेररिज्म ऊपर 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 जा रहा था, कितने घंटों का कर्फ्यू होता था? और अभी कोई वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है मसूदी साहब, ये प्रिकॉशनरी है, परिस्थिति जन्य नहीं है। वहां स्थिति बिगड़ी इसलिए कर्फ्यू नहीं डाला है, स्थिति न बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू डाला जाए। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है मसूदी साहब। आप तो जज रहे हो हाईकोर्ट, मुझे लगता था आपका जजमेंट आप कोर्ट करोगे, मगर नहीं करा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये जजमेंट खोखला है। मुझे लगता था कि आप कोर्ट करोगे, मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आ जाया था, मगर अच्छा ही हुआ कि आपने कोर्ट नहीं किया। कुट्टी जी ने कहा कि आपका सांप्रदायिक एजेंडा है। साहब, मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। 370 कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या जैन नहीं रहते हैं? बौद्ध नहीं रहते हैं? सिख नहीं रहते हैं? कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? किसको एड्रेस कर रहे हो आप कुट्टी साहब? किसको एड्रेस कर रहे हो आप? मुझे समझाइए तो जरा, जम्मू कश्मीर के लिए गया बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक दिखेगा? क्या वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं? माइनॉरिटी को दबा रहे हो, माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी वहां जैन भी है, सिख भी है, और माइनॉरिटी कमीशन वहां स्वीकार न कर 370 ने माइनॉरिटी के साथ अन्याय किया है। आज वहां माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और 370 के कारण नहीं है। कुट्टी साहब, आप भाषण यहां दे रहे थे, भाषण जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे थे और एड्रेस कहीं और कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू को बांटना कंसेंट के अलावे ठीक नहीं। मैंने सुबह ही बहुत विस्तार से कि संविधान की किस धाराओं के तहत हमने किया है और ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है सदन के सामने रखा है, इसलिए मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। शशि थरूर जी ने कहा कि सिक्योरिटी का चिंता हो रहा है। थरूर साहब, 1989 से लेकर आज तक 41,500 लोग मारे गए हैं, यही रास्ते पर मारे गए हैं। मैं आप सबको हृदय से पूछना चाहता हूं, अभी भी वही रास्ते पर चलना है? 41,900 लोग मारे गए, हम दूसरा रास्ता भी नहीं सोचेंगे, दूसरे रास्ते के शांति आए इसका प्रयास भी नहीं करेंगे, घाटी को लोगों की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे? 70 साल इसी रास्ते पर चले जिसका आप आग्रह कर रहे हो, क्या परिणाम आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या परिणाम आया? 41,500 लोग, 500 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? ये रास्ता नहीं है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं देता, ये रास्ता जिम्मेदार नहीं है। कभी तो अलग हट के सोचना पड़ेगा। कब तक हम वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? कब तक जो आइडियोलॉजी को हम स्वीकारते हैं वो आइडियोलॉजी के आधार पर ही हर चीज को सोचेंगे? देश हित की सोच करनी पड़ेगी, घाटी के युवाओं की सोच करनी पड़ेगी, लद्दाख क्षेत्र के मेरे एक युवा साथी ने आज बहुत जोश के साथ हमारे सांसद ने भाषण दिया, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। सारे ऐतिहासिक तथ्य लद्दाख की जनता के इनके सामने रखा, सदन के सामने रखा, देश के सामने रखा, इनकी भावनाओं को हम नहीं सुनेंगे? कब तक अनसुना करेंगे? बहुत लंबे समय तक अनसुना नहीं कर पाएंगे। ओवैसी साहब ने कहा कि सदन ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है। ओवैसी साहब, ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे हैं। और इतिहास बताएगा कि भूल धारा 370 को डालना था या भूल धारा 370 को हटाना था। मुझे विश्वास है 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया गया उसने हमारा बहुत सही। उन्होंने भी नागा समझौते का रेफरेंस करा। उन्होंने कहा कि मैं मेरे आयरन फेस को बनाने के लिए सब एक्सरसाइज कर रहा हूं।
मैं लोह पुरुष बनना नहीं चाहता, मेरा अस्तित्व एक छोटे से कार्यकर्ता का है और विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी पार्टी की परंपरा है। ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव के अंदर फायदा हो इसलिए नहीं लेते हैं। ऐसे फैसले देश का भला किस में है वो देखकर लिए, ऐसे फैसले देश की सुरक्षा किस में है वो देखकर लिया जाता है, ऐसे फैसले घाटी की जनता की भलाई किस में है वो देखकर लिए जाते हैं। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय कि ये सारे फैसले जो आज मैं लेकर सदन के सामने आया हूं वो घाटी की जनता की भलाई के लिए। आज पूरे दिन धारा 370 और 35 पर चर्चा चलती रही माननीय, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि धारा 370 से फायदा क्या होगा। अगर धारा 370 चालू रखनी है तो क्यों रखनी है तो बताते, तो घाटी को भी मालूम पड़ता कि भाई धारा 370 से हमें प्राप्त क्या होगा। मैंने धैर्यपूर्वक एक एक शब्द सुना है, सबके भाषण सुने, किसी की भी आर्गुमेंट में ये नहीं आया कि धारा 370 कैसे कश्मीर का कल्याण कर सकती है, कैसे घाटी के लोगों का कल्याण कर सकती है, कैसे लद्दाख और जम्मू का कल्याण कर सकती है, क्योंकि कर ही नहीं सकती तो आर्गुमेंट कैसे आएंगे। मगर मैं हटाने आया हूं, हटाने का प्रस्ताव लेकर आए तो मैं बताता हूं धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक है। माननीय धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली है, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष है। माननीय धारा 370 से क्या होता है, इस देश के कानून जम्मू कश्मीर में जाते हुए धारा 370 रोकती है। अगर सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं वो देश की भलाई के लिए किए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने करे हो, बीजेपी की सरकार ने करे हो या कोई अन्य सरकार ने करे हो, ये संसद जो कानून प्रसार करता है वो तो देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करता है। क्यों धारा 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, ये तीन परिवारों के लोगों ने साहब इतने सारे कानून स्वीकार नहीं किए, और कोई छोटी सूची नहीं है, 9 संविधान सुधार के साथ 106 कानूनों को जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लागू नहीं कर पाए हैं, वहां उसका अख्तियार नहीं है कानूनों का। मान्यवर और कानून कैसे हैं, बाल विवाह का कानून, भला छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, ये कैसे जम्मू कश्मीर के विरोधी कानून है। मान्यवर देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, कितनी भी छोटी बच्ची हो इससे आप शादी कर सकते हो, किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं। जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें, बाल विवाह का समर्थन। माननीय माननीय मेरी बात लंबी है, भी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। माननीय सभापति महोदय मैं सदन के सभी सदस्यों का मन का भाव समझ रहा हूं,
कुछ औचित्य भंग भी होता होगा ये आनंद की अभिव्यक्ति से, मगर 70 साल से जो टीस दिल के अंदर सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबाकर बैठे हैं, और वो टीस जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं दे सकते। 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं है? स्वपन दास जी नहीं है, अगर सभापति महोदय कहते हैं तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं है। उन्होंने कहा कि कब तक ये यूटी रहेगा। माननीय मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी, मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट मणि है और इसमें हमें कोई मतभेद कोई दिक्कत नहीं, जब भी उचित समय आएगा। मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाले। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। वाइको जी ने कहा कासावो बन जाएगा कश्मीर, वाइको जी आश्वस्त रहिए, कुछ कासावो नहीं हो जाएगा, ये स्वर्ग था है और रहने वाला, कासावो नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत करिए। आपको वही करना है। सिवा ने कहा, श्रीमान सिवा ने कहा कि भाई ये बाकी सारे राज्यों के अंदर भी ये रूट आप लेंगे, मैं माननीय सदस्य शिवाजी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बाकी कोई राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है, ढेर सारे विभाजन आजादी के बाद हुए हैं, हमने भी करे, हमने उत्तराखंड बनाया, हमने झारखंड बनाया, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, आपने आंध्र और तेलंगाना बनाया, और मुझे इतने सारे सलाह देते हैं मान्यवर, मैं उनको आंध्र तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद कर याद करे कैसे करा था। मैं तो सिर्फ उस दिन बिल, आज बिल लाया और आज पारित करने का आग्रह किया, आपने आपके विशेषाधार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, कृपा हो गई आपकी, तो मैं बिल पास कर रहा हूं। आपने तो सार्जेंट से उठाकर सबको बाहर डाला, दरवाजे बंद करे, टीवी बंद करा, और उसके बाद में आंध्र और तेलंगाना बनाया था जो आज बने। तो हमें मत समझाइए कि किस तरह से होता है। माननीय गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हजारों विधवा हुई हैं कश्मीर की 370 को बचाने के लिए, 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए कम विधवा हुए गुलाम नबी आजाद साहब, विधवाएं जरूर हुई हैं, 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए हुई हैं, मगर 370 के कारण। और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया, मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बना। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला, ये बरगरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको के अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं, तब जाकर मालूम पड़ेगा। माननीय बाद में फाइनल सॉल्यूशन के बारे में टिप्पणियां की, मगर मैं मानता हूं माननीय, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक सदस्य ने कहा था कि ये कश्मीर समस्या का फाइनल सॉल्यूशन है, माननीय समय जरूर लगेगा मगर रास्ता
370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं मान्यवर। और दूसरा चिदंबरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया है चिदंबरम जी 367 रेड भी 371D है, आप एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी। मान्यवर मैं आज इस भाषण के अंदर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बैंक के बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने अपने तरीके से मन से करा है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मन के बगैर किया अधूरा करा है, सबने मन से करा है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं ये जो दो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूं, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा, मुझे विश्वास है मान्यवर। तो मैं सभी को कहता हूं कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाएं, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाएं और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करें, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करें और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। और ये सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफी सारी पार्टियां, आमतौर पर हमारे साथ मान्यवर जो पार्टियां नहीं रहती हैं ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन में भाषण करे, आप पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, YSRCP ने किया है, TDP ने किया है, बहुत सारे लोगों ने आज BJD ने किया है, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए और सब लोग मानते हैं, AIDMK ने भी किया, AIDMK ने भी किया और मान्यवर में जो नया जोड़ा उनका नाम ले रहे हैं, अब पुराना है मान्यवर। और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूँ, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता का इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है तो आज जनता का विश्वास देखकर मान्यवर मेरा भी विश्वास बहुत बड़ा है। मैं तो पहले से मानता हूं कि 370 कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सबसे बड़ा हर्डल है और मुझे ये भी मालूम है अगर वोट बैंक की राजनीति करना कुछ पार्टियों ने चालू करा तो इसको चैलेंज कर और उसके रास्ते में हर्डल भी खड़े किए जाएंगे। सारे हर्डल को पार करते हुए मान्यवर ये दो संकल्प और एक जो बिल है वो तीनों और चौथा रिजर्वेशन का बिल, ये तीनों बिल मान्यवर कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके गोलियां बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा, ऐसे कश्मीर की हम घोषणा करेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस दोनों संकल्पों का और बिल का दोनों आप समर्थन करिए और एक अच्छा मैसेज कश्मीर के अंदर हम डालिए, इतनी करबद्ध विनंती कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का आगाज किया है, शुरुआत की है, एक अलग मंत्रालय जल के विषयों को सारे विषयों को जोड़ने के साथ बनाए। मित्रों आने वाले दिनों में भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाली देशों के लिए जल बहुत बड़ी समस्या होने वाला है और इसको अभी से भांपते हुए मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया है।
वो जल संचय भी करेगा, जल संचल के लिए जो डैम्स बने उसकी क्षमता का विस्तार करेगा, नए चेक डैम बनाएगा, हर गांव के अंदर हर खेत के अंदर पानी को रोकने की व्यवस्था करेगा, पानी का व्यय कम करने के लिए लोक संस्कार का निर्माण का भी काम करेगा, ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज्यादा उपज मिल जाए इस प्रकार के विज्ञान का भी वो प्रचार प्रसार करेगा। देश की नदियों को जोड़कर महामूल्य पानी जो दरिया के अंदर चला जाता है, समंदर के अंदर चला जाता है, इसको भी रोकने की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये जल शक्ति मंत्रालय करेगा। और सबसे बड़ी बात, आज देश के 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में नल से पानी नहीं आता है, शुद्ध पानी नहीं आता, फ्लोराइड युक्त पानी पीकर देश की युवानी, देश के युवा अकाल ही वृद्ध बनते हैं, इनके चेहरे वृद्धत्व को पा जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, हड्डियां गलने लगती हैं, इनका कोई दोस्त नहीं। दोस्त किसका है? इतने साल जिन्होंने देश के अंदर शासन किया वो कांग्रेस पार्टी ने, अगर पहले से साफ और शुद्ध पानी की व्यवस्था करी होती तो आज नहीं ये दिन देखना पड़ता। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने बताने आया हूं, मोदी जी ने इस बजट के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए से देश के 14 करोड़ परिवारों के घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है, शुद्ध पानी पहुंचाने।